यदि दोस्तों आप लोग भी स्मॉल बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आज की स्टूडियो को जरूर देखना। आज की स्टूडियो में आपको पांच बेहतरीन बेहतरीन बिजनेस आइडिया बता रहा हूं जो स्मॉल बिजनेस है और अपने गांव में ये 100% चलेगा। अपने शहर में कहीं रोड साइड पर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तब भी ये बिजनेस चलेगा, 100% श्योर है। बहुत से लोगों को मैंने खुद अपने मार्केट में स्मॉल बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए कमाते देखा है। तो आज की स्टूडियो को जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत स्पेशल प्लान है। इन प्लानों को आप समझना, यदि इनमें से आपको कोई भी प्लान अच्छा लगता है, ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है तो आप उसकी शुरुआत जरूर करें। दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम देवेंद्र है, राजस्थान के छोटे शहर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पिछले कुछ टाइम से आप सभी साथियों को मैं यूट्यूब के माध्यम से हेल्प कर रहा हूँ, आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग अपना बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं कम पैसों के साथ में, कैसे आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस को और अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे कुछ आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी प्रकार आज की इस वीडियो में आपको पांच बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो बहुत ही यूनिक बहुत स्पेशल है और अपने गाँव में ये बिजनेस आइडिया चलेंगे ही चलेंगे, 100% गारंटी है। बहुत से लोग इस बिजनेस माध्यम से बहुत से लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं और कमा रहे हैं, सच बात है गारंटी के साथ। आज की स्टूडियो में जो आपको बिजनेस आइडिया बताऊंगा इन बिजनेस को आप समझना और बहुत आसानी के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस ज्ञान लेना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा कहाँ से लेना, कैसे आपको स्टार्टअप करना है, कितना पैसा लगता है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज देखो, दोस्तों स्मॉल बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको उस बिजनेस में या उसका ज्ञान होना और उसके साथ में कंटेंसी उसमें टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बहुत से लोगों ने जो स्टार्टअप किया और बंद कर देते हैं, एक महीना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे में आपका नुकसान होगा। दोस्तों तो आप बिजनेस को स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो 100% उसमें टाइम देने की सोचना, इसके साथ में उसका थोड़ा बहुत ज्ञान लेने की सोचना, बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। दोस्तों हो सकता है कि आपको एक महीने में रिजल्ट ना मिले लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद अच्छे खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप एक जॉब गवर्नमेंट जॉब की नौकरी लगती है उसका जो सैलरी पैकेज होता है महीने का उससे दो गुना कमा सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से। ऐसे ही बिजनेस बहुत से लोग कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप लोग इस बिजनेस को शुरुआत करने की सोचना, आप लोग आसानी से बढ़ सकते हो, बस आपको दिमाग को इस तरह रख के काम करना है। दोस्तों चलो आपको बताता हूँ कौन कौन से प्लान है, कैसे कैसे जो बिजनेस आइडिया है वो आपको एक एक करके समझाता हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में और आपको करने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों आपको जो भी अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना कि ये बिजनेस आइडिया मुझे अच्छा लगा सर और ये हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हम इस डिस्ट्रिक्ट से या इस जिले से बिलोंग करते हैं या ऐसे जगह बिलोंग करते हैं। आप जरूर अपना थोड़ा सा मेंशन करना जिससे मुझे भी लगे कि दोस्त वहां से शुरुआत कर रहा है और कभी मेरे को टाइम मिला तो शायद मैं आपके वहां पर विजिट करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों जो हमारा बिजनेस आइडिया है अपने गाँव में चलने वाला वो हमारा फास्ट फूड का है। दोस्तों जो फास्ट फूड में बहुत से जो आइटम आते हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गई, ऐसे बहुत से आइटम हज़ार प्रकार के आइटम आते हैं जिनको आप बना के सेल करना शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस आइडिया बहुत अमीरिक बहुत यूनिक है, अपने गांव में अपने कॉलोनी के बाहर कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा बिजनेस कमा के देगा। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा जो दुकान रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी स्पेस मिलता है चौराहे पर, जो भी लोकल मार्केट में जितना भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिला है तो वहाँ पे आप अपना ठेला लगा के चालू कर सकते हैं बिजनेस को, बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग इस बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, लाखों रुपये इस बिजनेस के माध्यम से कमाए जा रहे हैं। आप लोग भी अपने चौराहे पर अपने शहर में जो भी आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर अपना ठेला खड़ा करके बिजनेस को चालू कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आप लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को सीखने के लिए आप कुछ जो बाहर कहीं लोकल शहर में लोकल है जो ऐसे चौराहे पर जा सकते हो जहाँ पे जो ऐसी बहुत सी दुकानें हैं वहाँ पे जो एक महीना आधा महीना लगेगा 15 दिन के अंदर आप बिजनेस को सीख जाओगे, इतना कोई बड़ा जो ज्ञान की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आराम से ही बिजनेस को कर सकते हैं। एक बार सीखने के बाद आप आराम से बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा बिजनेस आइडिया है अपने गांव में चलने वाला, समोसा कचौरी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा यूनिक है और इस बिजनेस के माध्यम से भी बहुत अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। दोस्तों ये समोसा और कचौरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने गाँव में, अपने शहरों में इसकी ज़्यादा डिमांड है और इससे बहुत अच्छी कमाई होती है। दोस्तों और दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है, बस आपको एक ठेले की जरूरत रहेगी और जो आपको जहाँ पे लगाना है शहर में उस थोड़ी लोकेशन मिलेगी आपको, इसके बाद बिजनेस आपका चलने लग जाएगा, कोई ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। एक बार पैसा लगेगा उसके बाद चालू होने लगेगा और बहुत अच्छी खासी कमाई करके देगा। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्टअप करने का थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ले लेना है, आपको एक दो दिन चार दिन पाँच दिन कहीं जो ठेले पर चले जाना है जहाँ पे आसपास में आपको अच्छा सा काम सिखा सके, वहाँ पर सीख के आप बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई हो सकती है इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो हमारा पानी पूरी का है, आप पानी पूरी की एक थैला बना सकते हो, थैला बना के आप उस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। देखो दोस्तों जो आपको एक बार पैसा लगेगा इस थैले में बनाने में, बट इसके बाद में आपको लाइफ टाइम कमा के देने वाला बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, बहुत अमेजिंग बिजनेस आइडिया है। इसमें आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा बट आपको बहुत अच्छी कमाई करके देगा। दोस्तों बिजनेस आइडिया बहुत अमेजिंग है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं अपने।
थैले बनाने के लिए अपने लोकल शहर में आप ढूंढ सकते हो, बने बुने थैले भी मिलते हैं और किराए पे भी मिलते हैं। आप दोनों में से कोई भी चूज करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। जो मेरा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो दूध का है। आप अपने जो गांव में दूध का इकट्ठा करके या जो उसको निकाल के अपने जो शहर में सेलिंग कर सकते हैं। शहरों में इसकी जो धड़ाके के साथ जो बिकती है बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है इस चीज़ की। तो आप इसकी बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। अपने गांव में जितनी भी भैंसें मिलती है, गायें मिलती है, उनको अच्छे से उनको जो दूध निकाल के या उनको घर से लेके उनको सेलिंग करना चालू कर सकते हो दोस्तों। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप इस बिजनेस की कम पैसों के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। आपको नॉर्मली एक जो साइकिल की जरूरत रहेगी और आपको नॉर्मल बर्तनों की जरूरत रहेगी, उसमें आप थैले पर रख के भी सेलिंग करना चालू कर सकते हो। गांव-गांव अपने शहर शहर में हर एक दुकानदार हर एक सिटी में जाके सेलिंग कर सकते हो और बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों हमारा जो लास्ट का जो बिजनेस आइडिया है ये हमारा जो सब्जी का है। आप सब्जी का बिजनेस चालू कर सकते हैं दोस्तों, कम पैसा के साथ में शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है और हमेशा ही आपको चलने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन चलेगा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप इस बिजनेस को कम पैसों के साथ में शुरू कर सकते हैं। 1000-2000-1200 रुपये में इस बिजनेस को चालू किया जा सकता है और बहुत अच्छी खासी कमाई की जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो अपने गांव में आराम से बिजनेस चालू हो जाएंगे और इसमें आपको कोई दोहराई की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में बताना आप, और इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और अपने जो भी फैमिली मेंबर है जो उन दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सकता है कि दोस्तों उन दोस्तों को आइडिया अच्छा लग जाए और वो भी इस बिजनेस में आके अपना कैरियर बना पाए दोस्तों। तो आप उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में, नेक्स्ट बिजनेस के साथ में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।